हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेट, सबसेट, यूनियन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसी तरह से इंटरसेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स, वो हमने पढ़े थे। इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैपिंग एंड फंक्शन। बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन जो होता है जैसे वाई बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये फंक्शन बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है फंक्शन जो है एक फॉर्मूले की तरह डिफाइन होता है। तो यहाँ से सपोज कि हमारे पास ये फंक्शन है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें कुछ कि ये फंक्शन पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए, अगर इसको हम कहीं वाई, ये वाई बराबर दिया हुआ है ऐसे, तो वाई एट एक्स बराबर टू पे इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्स बराबर टू पे अगर वैल्यू इसकी निकालना चाहें तो जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की तो टू का क्यूब प्लस टू स्क्वायर प्लस वन यानी 13। तो यहाँ पे हमारे पास जब वैल्यू ऑफ एक्स की हमने गिवन दी थी तो उस कंडीशन में फंक्शन की एक वैल्यू निकलती है जिसको हम वाई भी कह सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन एक ऐसा कंडीशन होती है, एक फंक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी टर्म होती है जिसमें जब हम एक्स की जो वैल्यू देते हैं उस पे हमारे पास फंक्शन की कोई वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कई बार फंक्शन इस तरह से भी डिफाइन होता है, कई बार इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वन प्राइम फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कब है, अगर वन जो है, अगर एम जो है कोई नंबर किसी के लिए, एम के लिए अगर प्राइम है तो उस कंडीशन में, जीरो अगर एम जो है प्राइम नहीं है। तो इस तरह से भी एक फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से जब हमारे पास फंक्शन हमें पता है, अब हम समझते हैं मैप मैपिंग क्या होता है। मैप या मैपिंग क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो फंक्शन जो होता है अगर इसमें कुछ एलिमेंट है और इसमें कुछ एलिमेंट है, वन टू थ्री और यहाँ पे ए बी सी, इस तरह से कुछ एलिमेंट है, जो फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है जो कि इस सेट से इस सेट के एलिमेंट को रिलेट करता है। अब यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन और क्लियर हो सकती है। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन जो कि एलिमेंट ए किस एलिमेंट्स को बी से रिलेट करता है। तो इस तरह के जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं, और इस जो रिलेशन को या इस तरह से सेट को डिफाइन होने को उसको कहते हैं मैप। यानी वन जो है वो मैप कर रहा है ए पे, इसमें टू जो है मैप कर रहा है बी पे, एंड थ्री जो है वो मैप कर रहा है सी पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैपिंग को समझने का एक तरीका है। तो बेसिकली अगर इसके हम एलिमेंट्स को हम, जैसे इसके एलिमेंट ए वन ए टू है तो इसको हम एफ ए भी दे सकते हैं। इसके एलिमेंट जो है यानी ए को हम लिख सकते, मैप या मैपिंग जो कर रहा है वो एफ ए पे कर रहा है। तो इस तरह से ए के एलिमेंट को यानी बी के एलिमेंट, जो बी के जो एलिमेंट थे उनको बी बराबर एफ ऑफ ए, इस तरह से भी दे सकते हैं। फिर कैलकुलस में जो टर्म है फंक्शन जो है वो यूज की जाती है इंस्टेंट ऑफ मैपिंग, मैपिंग के बजाय हमें जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो फंक्शन यूज किया जाता है। सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में हमारे पास कि एक अगर एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक हमारे पास फंक्शन है और इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है ए, तो उसको कहाँ मैप करेगा वो, एक्स स्क्वायर पे। तो वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली ये वाई बराबर जो है वो इस एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है। कई बार हमारे पास इस तरह से फंक्शन हो सकता है, फंक्शन कुछ भी तरह से डिफाइन हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ग्राफ भी देख सकते हैं कि फंक्शन जैसे एक्स की वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे अलग अलग टर्म दे रहा है, पर फंक्शन जरूरी नहीं है फंक्शन यही हो कि हमारे पास इस तरह से हो। कई बार फंक्शन हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन, इनको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमारा सिर्फ फंक्शन समझना है,
आगे 1.1.1.2 जो हम जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो 1.1.1.2 फंक्शन के टाइप और ये सब कुछ भी आगे हम पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है फ्रेंड्स? सीक्वेंस बेसिकली कोई फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन होता है, डोमेन और रेंज जो हमने अभी यहाँ पे नहीं देखा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, तो ये जो f इससे डिफाइन हो रहा है और इसमें डिफाइन हो रहा है, तो ये जो होता है हमारे पास डोमेन होता है और ये रेंज या कोडोमेन बोलते हैं जिसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3, तो ये हमारे पास जहाँ पे एलिमेंट होते हैं वो तो जहाँ के एलिमेंट जिससे जैसे इसके इससे कर रहे हैं, इसका इससे कर रहे हैं, तो ये तो एलिमेंट इसके रेंज है। कोडोमेन इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो ये रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस भी है यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक फंक्शन है जो कि एन से आर में डिफाइन है, और फंक्शन किस तरह से एफ जो है वो है एन को कहाँ पे डिफाइन कर रहा है, या एफ एन को 1/n ये बोल सकते हैं, या कहीं इस बार हम इस तरह से बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इस तरह से भी जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक हमारे पास फंक्शन है। आगे की वीडियोज में फंक्शन के जो टाइप्स होंगे जैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट, सब तरह जो कन्वर्जेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में, इस चैप्टर में सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। ब्रीफ में हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।